दिग्गज, आपने सुना उनको, वो आपके बीजेपी से रिश्ते निकाल रही थी और कह रही इसी वजह से आप बीजेपी आरएसएस से प्रभावित है इसीलिए बुरके के खिलाफ इतना बोल रहे। नहीं, ये तो होता ही है, अगर किसी ने बुरखे के साथ की बात कर ली कि हाँ हमें बुरखा पहनना है तो वो इनके बहुत चहेते हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि तुरंत प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने टिप्पणी कर दी बुरखे के ऊपर, जबकि भारतीय जनता पार्टी में किसी ने नहीं करी, संघ में किसी ने नहीं करी। और जैसे ही हमने कह दिया कि हम तो इसका विरोध, जबकि विरोध जो है वो उसका नहीं है कि हाँ हिजाब मत पहनिए, बुरखा मत पहनिए, विरोध तो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मत पहनिए, वहां पे पहनने के लिए आप लड़ाई मत करिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी और संघ हो गए। मैं तो कहती हूँ, खुले तौर पर कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परस्त हूं मैं, लेकिन मैं सबसे पहले मुसलमान बच्चियों की तरक्की की परस्त हूं। मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि मुसलमान बच्चियों को दबाया ना जाए। मैं एक बात कह रही थी अंजना जी, शायद मेरा ऑडियो आप तक तब नहीं पहुंच रहा था, कि क्यों आज तक हमारे देश को दूसरी मुसलमान बच्ची सानिया मिर्जा नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली, बहुत बड़ी तर्क भरी बात है ये, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि हर बच्ची में सानिया मिर्जा जैसी हिम्मत होती कि वो लोगों की गालियां खा ले, कि वो लोगों से ट्रोल हो जाए, कि लोग उस पर सवाल उठा ले, और फिर भी सानिया मिर्जा डटी रही जब उसके कपड़ों पर सवाल उठाया गया, जबकि वो देश का नाम रोशन कर रही थी, हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन कर रही थी। मैं आपके बीच में नहीं बोली मैडम, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोली ना अंजना जी, प्लीज इन्हें चुप करा लीजिए, मैं चुप करा लीजिए, मेरा मत बोलिए, जो भी बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर जो भी बोल रहा है साधना जी आवाज नीचे कर दीजिए। देखिए, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा जिसका नाम लिया जाएगा, वही है प्लीज। अगर आज हमें देश में मुसलमान बेटियों को आगे बढ़ाना है, तरक्की पर लाना है, उन्हें सानिया मिर्जा जैसा खेल के मैदान में उतारना है और उन्हें देश का नाम रोशन करने देना है ना, तो इस हिजाब को, इस बुरखे को अपने बच्चों से दूर रखिए, स्पेशली तब जब वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाती है, स्पेशली तब जब वो अपना करियर बनाती है, स्पेशली तब जब वो सशक्त होने की राह पर चलती है, स्पेशली तब सिर्फ डेविल्स एडवोकेट प्ले करने के लिए, ठीक है, सिर्फ डेविल्स एडवोकेट प्ले करने के लिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कोई भी धर्म अगर आपके लिंग के आधार पर, कि आप लड़का है या लड़की है, इसके आधार पर कोई भी अलग अलग नियम बनाता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन मैं सिर्फ डेविल्स एडवोकेट प्ले करके आपसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि अगर कुछ मुस्लिम महिला स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती है तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं? क्या उन पर जबरन फिर ये नहीं होगा? पहनती पर जब मेरा मन कर पहनती हूँ, जब नहीं करता तब नहीं पहनती। मैं बस ये कह रही हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहां पहनना जायज नहीं है क्योंकि वहां का एक संविधान है। निकट आपकी आवाज फिर से थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। शाजिया जल्दी से इस पर आपका रिस्पॉन्स। शाजिया जी, मैं यही कह रही हूँ, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए कितनी सियासत हो रही है और सियासी पार्टियां इस पर क्यों पड़ रही हैं। अगर कोर्ट इस पर अपनी बात कह रहा है, आपको क्यों सियासत इसमें सूझ रही है और पार्टियों का क्या इसमें इसमें औचित्य है? किसी को, पार्टी को भी, मैं अपनी पार्टी को भी इसमें कहूंगी। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा, आपने लड़ाई लड़ी है ना, आप सियासत, आपको भाजपा को बुरा भला कहना है सुबह शाम आप कीजिए, लेकिन बच्चों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वाकई में महिलाओं की फिक्र है प्रियंका गांधी को, तो बात कीजिए ना उस युवती की जिसको कितनी बेरहमी से मारा है, जिसकी माँ रो रही है, तड़प रही है, वो वहां पे पूर्व मंत्री का बेटा है तो उसकी बात नहीं होगी, उसके लिए जस्टिस की बात नहीं होगी। ये मुझे इससे तकलीफ है, देखिए। और हम लोग बहुत से लोग लड़े हैं और आप जानती हैं बच्चियों की क्या हालत होती है जो लड़ना चाहती हैं इससे, उनके पास इकरार, आप सोचिए इकरार है, प्रो चॉइस है, ये कोई चॉइस है? एक सोशलाइजेशन होता है, सोशल कंडीशनिंग होती है, और कम से कम स्कूलों को तो रहने